जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी जानने के लिए आए हैं कि आर्मी क्लर्क की मेरिट क्या हो सकती है 2024 के पहले बैच के अंदर। भाई फिजिकल अभी बहुत से एआरओ के हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके हैं, बहुत से एआरओ के फिजिकल मेडिकल अभी बाकी हैं। पहला बैच नवंबर में जाएगा और जिसका रिजल्ट सितंबर की लास्ट तक आ जाएंगे, और अक्टूबर में जो कागजी कार्रवाई होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद नवंबर में डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ बताने से पहले आप जितने बच्चे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं। तो वीडियो को लास्ट में आपने सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना है। भाई देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आर्मी क्लर्क के बारे में। भाई आपको पता है कि जो क्लर्क की कट ऑफ है, भाई क्लर्क की जो मेरिट बनती है वो टोटली एग्जाम के ऊपर होती है। भाई एग्जाम आपके पेपर के ऊपर ही फाइनल मेरिट बनती है। आपको ये भी पता होगा कि फिजिकल का कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा, और अब की बार जो टाइपिंग टेस्ट था ये भी आपको सिर्फ पास पास करना था। भाई इसका भी कोई भी नंबर पेपर में नहीं जुड़ेगा। जो मेरिट बनेगी आपकी वो टोटली आपके एग्जाम के ऊपर ही रहने वाली है। पहले भी मेरिट ऐसे ही बनती थी, ठीक है। अब बात करें भाई, चलो ठीक है, 200 आपका 250 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 200 नंबर का जो पेपर है उसमें से कितने नंबर वाला पास हो सकता है क्लर्क के अंदर, अभी ये बात करेंगे। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ सभी एआरओ के लिए है भाई, जितने भी ऑल इंडिया के अंदर एआरओ हैं सभी के लिए रहने वाली है। अब मैं पिछली बार की बात करूं भाई, इससे पीछे जो आर्मी क्लर्क का रिजल्ट आया था, जब बच्चों से पूछा गया कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ, सबसे पहली तो बात यह है कि जो वैकेंसी है भाई, वैकेंसी है ये हर एआरओ को अलग अलग मिलती हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले क्लर्क के रिजल्ट में किसी एआरओ को तो 5 वैकेंसी मिल रही है, किसी एआरओ को 100 वैकेंसी मिल रही है क्लर्क के अंदर, किसी को 70 मिल रही है। तो क्लर्क की वैकेंसियां अलग अलग रहती हैं हर एआरओ के अंदर भाई। और मुझे ऐसा लगा कि पिछली बार जो रिजल्ट था क्लर्क का वो एआरओ वाइज अलग अलग कट ऑफ थी भाई। कुछ एआर बच्चों से पूछा गया, उन्होंने कुछ अलग कट ऑफ बताई कि मेरा 145 पे सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चों से पूछा गया, वो कह रहे जी मेरा तो 150 पे सिलेक्शन हुआ है, कोई कह रहा जी मेरा 154 पे सिलेक्शन हुआ है। यानी कि 145 150 के आसपास पिछली कट ऑफ रही थी भाई, पिछली कट ऑफ। अब की बार वैकेंसियां बहुत ज्यादा होंगी, वैकेंसियों से आपने घबराना नहीं है, वैकेंसियां ज्यादा है और पिछले साल की जो वैकेंसियां थी उनकी तुलना में वैकेंसियां ज्यादा मिलेंगी जीडी को भी और कलर की। देखो जीडी की वैकेंसियों का आइडिया पता लग जाता है, लेकिन कलर की वैकेंसियों का को कोई आइडिया नहीं है। सिर्फ आपको एक सेफ स्कोर बता सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर हो सकता है। तो सबसे पहले सेफ स्कोर की बात करें क्या हो सकता है भाई, जिनका 35 क्वेश्चन ठीक है, अब की बार 35 क्वेश्चन ठीक है या 35+ ठीक है, वो एक सेफ जोन में है भाई। उनका स्कोर हम क्या बोल सकते हैं, वो सेफ एरिया में है, उनके ज्यादा चांसेस हैं मेरिट लिस्ट में आने के। 35 का मतलब है यानी कि 140 नंबर, और जिसके 150 हैं, 150 के आसपास हैं, वो और ज्यादा सेफ है भाई। 35+ वाला सेफ मान सकता है, क्योंकि अब की बार वैकेंसियां भी बहुत ज्यादा मिलेंगी भाई, वैकेंसियां भी ज्यादा मिलेंगी। अगर पिछली बार 37-38 क्वेश्चन वालों का सिलेक्शन हो गया था, तो अब की बार 35 क्वेश्चन वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन है भाई, 35+ आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए दो बच्चों के 35-35 एक ही आरओ में 35-35 स्कोर पे दो बच्चे खड़े हैं, तो फिर देखा जाएगा भाई फिजिकल और टाइपिंग किसकी अच्छी थी, तो फिर इनके आधार पर उस बच्चे को फाइनल मेरिट के अंदर ले लिया जाएगा। तो जो बच्चे पूछ रहे थे कि क्लर्क की कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपके सामने है रिजल्ट कब तक आएगा, सितंबर की लास्ट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपको ये जानकारी समझ में आ गई है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी अपडेट होगी, कैसी भी अपडेट आए, वो चैनल पर आपको टाइम टाइम पर बता दी जाएगी। वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।